लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पंडित जी, ये घर का घी है, महंगा है, संभाल के डालिए, नहीं तो लगन के बाद लकड़ियों में जोड़ के सब वापस निकालना पड़ेगा। गधे के लग। कन्या को बुलाइए। पंडित जी, मैं जाऊं बुलाने? माँ, मुझे आंख मत दिखाओ, नहीं तो शादी के बाद में तुम्हें घर के बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। ओम इंद्रो वृद्धा। उफ, फिर आ गया तुम लोग। गंगू किधर है? अच्छा, वही हम तेरे से पूछने आए। शान पते मत कर साले, फांदे बाजी करने को साथ में लेके गया था, अभी माल हजम करके उसको किधर फंसा दिया, बोल। ए जूली, ज्यादा होशियारी मत कर, बोल गंगू का है। अरे अजब खोपड़ी का आदमी है, जब से तेरा साथ गया है अभी तक वापस नहीं आया। पिताजी पिताजी, सत्यानाश हो गया। क्या बकवास करता है? हो सकता है निशा को गंगू ले गया हो, ताकि उससे शादी करके उसके बाप की सारी जायदाद हड़प कर जाए। अबे क्या पता है, अपन का गंगू अपन को छोड़कर किसी के साथ शादी नहीं कर सकता है। अरे चल, तेरे पास रखा ही क्या है, निशा के बाप के पास करोड़ रुपया है, उससे शादी करेगा तो माला माल हो जाएगा, इसीलिए भगा के ले गया उसको। किधर लेके गया होगा? है? हमें क्या मालूम, वही पता लगाने तो हम इधर आए हैं। अरे हरामखोर, साला बदमाश लोग, लुच्चा कमीना, कुत्ते का गोश्त खाने वाला बेईमान लोग, अपन का गंगू को किधर भगा दिया? अपन का गंगू को वापस ला कर दो, नहीं तो चुप, खिलाड़ी क्या हुआ? ओह माय गॉड, अपन मर जाएगा, अपन जान दे देगा। अरे फर्नांडिस, जोनी, जोन, अपन इधर आमन। क्या हुआ जूली, क्या करोता है? ये चोर लोग अपन का गंगू को चुरा कर ले गया। ए, ये क्या बोलता है? अरे झूठ बोलती है भाई, अगर हमने चुराया तो यहाँ क्या झक मारने को आते, क्यों है कि नहीं? नहीं, हाँ 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 हाँ, बोलो नहीं तो तेरे को चीड़ डालेगा हम। नहीं नहीं, क्या बातों सुनो पहले। पिताजी पिताजी, भाग चलो नहीं तो जूते पड़ेंगे। उल्लू का पट्टा, चाकू को जूता। भागो, बंद कर दिया। कोई नहीं है। क्या हुआ? ये तुम लोग जानवरों की तरह क्यों हाँप रहे हो? कहीं से पिट कर आए हो क्या? अजी बताओ ना। क्या हुआ? माँ माँ, निशा को गंगू उठाकर ले गया होगा, ये सोचकर हम गंगू के घर गए, लेकिन वहाँ पर लोग उल्टा हम पर ही चढ़ गए, हमसे पूछने लगे गंगू कहाँ है, उसे कहाँ छुपा कर रखा है। माँ, जैसे पागल, जैसे पागल कुत्ते को पत्थर मारता है ना, वैसे मैं पत्थर मार के भगाया वहाँ से। माँ, अजीब बेवकूफ लोग हैं। अरे निशा को गंगू ले जाकर क्या करेगा? माँ, मुझे क्यों डांटती हो? इनसे पूछो, ये आइडिया इनका 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 था। ये जलील और घटिया आइडिया इस कमीने का था। आपका था। मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो रमेश था जो हमारी निशा को लेके भाग गया। ये कैसे हो सकता है मिस्टर अजीत, रमेश तो जेल में है। कैसे विश्वास दिलाऊं? आप मेरी बात सुनिए, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आदमी को पहचानने और सूंघने में बिल्कुल पुलिस के कुत्ते की तरह हूँ। हाँ, मैंने उसे देखते ही सूंघ लिया था कि वही रमेश है। सर, एक आदमी दो जगह पे कैसे रह सकता है, वो जेल में नहीं है। ये क्या बेहुदा बकवास लगा रखी है आप दोनों ने? की बकवास छोड़िए, आप जेल में फोन लगाइए, लगाइए लगाइए प्लीज, प्लीज लगाइए। जूली डार्लिंग, अपन को तो पहली धार का माल चाहिए ताकि कलेजे में जान आ जाए। चुपचाप वो सोने का हार मेरे हवाले कर दो। कौन सा हार? जो तुम्हारी जेब में रखा है, निकाल गंगू। अरे कमाल है, अपुन का नाम तेरे को कैसे मालूम पड़ा? तेरे को कोई जादू वादू आता है क्या? अरे मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अरे बाप रे, मर गया, देख मेरी माँ। मेरा मतलब है, अपुन यहाँ कोई बेईमानी के नियत से नहीं आया था, अपुन सिर्फ हवा पानी बदली करने को आया था। अपुन का बाप का तोवा अपुन फूटता रहे यहाँ से। ठहरो, एक कदम उठाए तो सारी पोल खोल कर रख दूंगी। अब तुम ये मकान छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं जा सकता तो साला अपुन इधर रहकर करेगा क्या? हा? जो मैं कहूंगी वही करोगे। अगर भागने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। हाँ, अरे नहीं, इतना जुल्म मत करो। चुप, 3 दिन तक तुम्हें रमेश बनकर यही रहना होगा, और ऐसे कि माँ जी को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि तुम कोई और हो। मतलब चोर को इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा? हाँ बनना पड़ेगा, समझ गए? समझ गया। तो फिर चलो, तकिया उठाओ और बाहर जाकर बरामदे में सो जाओ। चलो।
बंद करो तुम्हारा ये बाजा। अरे का हुआ छोटे राम जी? मैंने हाथ पैर जोड़कर इस देसी दारू की दुकान का उद्घाटन करने के लिए मंत्री महादेव को राजी किया था। अभी पता चला वो नहीं आ रहे हैं, किसी जेल का उद्घाटन करने को जा रहे हैं। अरे दिल काहे छोटा करत हो छोटे राम जी, गांव के किसी बड़े आदमी को बुलाकर उद्घाटन करवा लो। अरे इस गांव में कौन बड़ा आदमी है, सब तेरी तरह लल्लू पंजू है। क्या बात करत हो, हम लल्लू पंजू हैं? अरे हम इलेक्शन में खड़े हो जाए तो खड़े खड़े मंत्री चुन लिए जाए और फिर तुम ही आओगे हमसे उद्घाटन करवाने। बात करत हो, वैसे इस गांव में एक बड़ा आदमी और भी है। अरे वो देखो रमेश बाबू इंजीनियर। रमेश बाबू? हाँ, वो मानेंगे? काहे नहीं मानेंगे, और पूछन में का बुराई है? अगर नहीं मानेंगे फिर हम तो है। ए बाबूजी जरा काट देंगे। अबे चुप, पकड़वा क्या? नहीं नहीं, रिबन काटना है। किसी छोकरी का रिबन काटना है? छोकरी का रिबन नहीं, देसी दारू के दुकान के उद्घाटन का रिबन। ओहो, उद्घाटन करना है? तो चलो कर देते हैं। आइए 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 बाबूजी, आइए पधारिए पधारिए पधारिए। अरे माला पहनाओ और कैंची दो। मिठाई की दुकान का उद्घाटन होता है तो मिठाई खानी पड़ती है। आज दारू की दुकान का उद्घाटन है, थोड़ी दारू पीनी ही पड़ेगी। हम जानते हैं कि आप जैसे शरीफ आदमी दारू ना ही पिए थे, मगर एक गिलास पीनी ही पड़ेगी। क्या? मैं और दारू? अरे तेरा दिमाग खराब है, मैं तो इसे हाथ भी नहीं लगाता। हमारी खातिर एक गिलास सरकार? नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। साला दोबारा पूछेगा तो ठीक है वरना। अच्छा तो जान दो आपके हिस्से की हम ही पी जाते हैं। आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है तुम्हें बुरा लग गया। मैं शराब को मुंह से लगा लूंगा लेकिन तुम्हें बुरा लगने नहीं दूंगा। बाबूजी धन्य है, पी रहे हैं। बाबूजी हमारे हाथ से एक गिलास। ये तो दुकान के मालिक है ना, है छोटे लाल जी। एक गिलास नहीं खाते। हाँ हाँ, हो जाएंगे हाथ का, पियो मजा आएगा। मावाले क्या हुआ मेरे बेटे को? दारू पिया हुआ है और क्या हुआ? क्या पीकर सारे बाजार में गंगा मस्ती मचा दिया, अच्छे खासे शरीफ आदमियों को काम पे जाने वालों को पिला दिया, सारा गांव पीकर लुढ़क गया। अबे तेरे बाप का क्या जाता है, आज गाँव लुढ़काया है कल शहर लुढ़का दूंगा परसों सारा हिंदुस्तान लुढ़का दूंगा। अपनी लुढ़क गया है? अबे मुंह सीधा कर, बोलता है तो ऐसे लगता है गधे ने कड़वा करेला खा लिया। चल भाई चल, बकवास करता है। चल अरे गंजेड़ी जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। जाओ अरे अरे यूं यूं क्या करा, चलिए देखा। पिताजी। अबे तेरी शादी होने वाली, सीधा खड़ा रहे, ये भरतनाट्यम क्या कर रहा है? अरे अपन को माफ कर दिया। अरे तू टांग छोड़। वो दिन अपन तुमको बराबर पहचाना नहीं, इसलिए जो मुंह में उल्टा सीधा आया बक डाला, तुम्हारा बेइज्जती का अपमान कर डाला। बेइज्जती का अपमान कर डाली? ए छोकरी कौन है तू, रो क्यों रही है? अजय क्या किया जी आपने? अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने कुछ किया क्या? हाँ, क्या किया मैंने? नहीं किया ना? हाँ, देखो हाँ, मैं अरे ये तो वो है, कौन है तू? जूली। जूली जूली। अजय कौन सी जूली? अरे वो कौन सा गु है ना, गु गंगू। हाँ उसकी होने वाली बीवी है। गंगू कहाँ है वो साला? खांदे पास, धोखे पास। अपन उसी को ढूंढता ढूंढता इधर तक आया। साला लफड़ा 420 शादी का वादा अपन से किया और तुम्हारा घर का छोकरी निशा को भगा कर ले गया और उसे शादी कर डाला। बताओ अपन उसको कच्चा चबा कर खा जाएगा। अबे गधे की औलाद, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जवाब देना। उसके बाप की हिम्मत तो इधर आएगा। और दूसरी बात ये है जूली, निशा के साथ उसकी शादी सिर्फ एक नाटक था, नाटक। ओ क्या बोलता है? मुझे मेरे बाप माँ की कसम, निशा के साथ शादी मैं कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में रजिस्ट्रार इधर आएगा, उसके बाद वो मेरी बीवी और मैं उसके पति। अच्छा तुम्हारा शादी हो रहा है, बहुत खुशी का बात है। जीसस तुमको सुखी रखे। थैंक यू। अपन गरीब है, कभी अमीर लोग का शादी नहीं देखा, कैसा होता है अपन देख सकता है? अरे जरूर, इसमें पूछने की क्या बात है। God bless you, God bless you. बेटा जी। पिताजी आओ। गधे की औलाद। देखो पिताजी, शादी के टाइम पे गाली नहीं देना। गाली कैसी की तैसी, मैं तेरी शादी कैंसिल करा दूंगा। तूने क्या समझ के उस लड़की को घर में रहने की इजाजत दी है?
मेरा दिमाग खराब हो गया। दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया। हाँ, इस लड़की के यहाँ रहने से हम सबका फायदा है। क्या फायदा है? इतिहास मत पूछो। अच्छा, साला मेरे डायलॉग मुझे क्यों सुना रहा है? बोल क्या फायदा? फायदा यह है कि शादी के वक्त अगर गंगू यहाँ पर आ गया तो उसका मुंह बंद करने की ये लड़की गोली का काम करेगी। अरे जियो, नहीं तू मेरी औलाद नहीं है। क्या हुआ साहब, अपन शादी तक रुक सकता है ना? गौर करे, दो चार शादी तुम्हारा हो जाए। क्या बात है, चल जा अंदर। चल। अच्छा गौर करे, तुम्हारा भी दो चार शादी हो जाए। तुम्हारा गॉड कब करेगा? कुछ नहीं, पागल है लड़की, कुछ भी भगती है। पिताजी मुझे प्यार करो ना, शादी है मेरी आज। क्या तरक्की की है तूने, सर से पांव पे उतरा है। निशा की मांग में सिंदूर तो नहीं भर सका, आप उसके पांव की जूती साफ कर रहा है। रंजीत, रंजीत तू है इसी लायक, 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 इसी लायक। ले लो, जल्दी से पॉलिश करो, अभी तुम्हें सारे गंदे कपड़े धोने बाकी है। गंदे कपड़े? ए बुढ़ाओ, खड़े खड़े सपने क्या देख रहे हैं? चल जल्दी कर, अभी पूरी बिल्डिंग को बाहर से चूना भी लगाने का है। चल। लगाता हूँ, ऐसा चूना लगाऊंगा सारी जिंदगी मिंडा की तरह फड़ाक 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 उछलता रहेगा। जल्दी जल्दी मार, काई को ऐसा करता है। अभी ना अखा घर का छत को पानी से खस खस के साफ करना है, समझा? क्यों इतनी गंदी हो गई है क्या? क्या हो रहा है? छूट गया। उठाओ मांजो जोर से। पिताजी, तुम्हारे इतिहास में हमारी तरह मार खा खा कर कुत्तों की जिंदगी गुजारने वाले और लोग भी हैं किसी राम में। अरे बेवकूफो, तुम लोगों को कब अकल आएगी? मुझे मार खाने या गालियां सुनने का शौक है, हैं? मेरा बाप क्या पाटे मारी का काम करता था, मगर वक्त की नजाकत को देखकर सब कुछ करना पड़ रहा है। अरे लाला तो तुम्हारे वक्त पर, उसकी नजाकत पर। अगर ऐसे ही जीना है तो चलो टोकरे में भाजी तरकारी भर कर गली गली बेचते फिरते हैं, वो ज्यादा आसान तरीका जीने का। इसीलिए कहता हूँ तुम मेरी औलाद नहीं है, अस्पताल में बच्चे बदल गए थे। अब की औलाद, मैं कोई बेवकूफ नहीं जिस घर में रह रहा हूँ। इसके पीछे एक राज है, जिस तरह हिंदुस्तान के लिए इतिहास जरूरी है उसी तरह हमारे लिए इस घर में रहना जरूरी है। हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो खतरा बढ़ जाएगा, भूल गए तुम लोग? और फैसला क्या हो सकता है, रमेश पे इल्जाम साबित हो चुका है, उसे फांसी लग के रहेगी। और अगर हम यहाँ से निकल गए तो फांसी का पन्ना हमारे घर में।